हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस की फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। ये फ्लोट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। इसके बिना ये कह सकते हैं कि कोई वेबसाइट बनती ही नहीं है। तो ये समझने के लिए आप यहाँ देखिए, जैसे एक डिव है और इसकी एक विड्थ है और ये यहाँ पर इसमें कुछ कॉन्टेंट भी डाला हुआ है। अगर मैं इसके बाद कोई भी नेक्स्ट डिव डालूँगा और उसमें भी कोई विड्थ दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो इसके नीचे ही आएगा। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी स्पेस खाली है मगर ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें इसको यहाँ पर लाना है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये डिव तो विड्थ इतनी है मगर ये डिव अपनी ये जगह कवर करके रखता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और नहीं आने देता। तो इसको सिर्फ इधर की ही जगह देने के लिए और ये जगह ब्लैंक छोड़ने के लिए हम फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इसे इधर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं फ्लोट की, या तो फ्लोट लेफ्ट या है फ्लोट राइट। अब इस डिव पर हम ब्लू वाले डिव पर यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर फ्लोट राइट, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू और भी होती है, वो होती है नन। वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप किसी डिव को फ्लोट लगाना नहीं चाहते तो आप नन भी दे सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने अपना एक न्यू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बना लिया है। टाइटल में हमने फ्लोट डाल दी, एक हेडिंग है हमारे पास और दो डिव हैं। इन दो डिव्स को हम एक कोई आईडी लगा देते हैं। तो इस पे हमने आईडी लगा दिया जैसे फर्स्ट नाम से, और ऐसे ही सेकंड डिव के लिए हम आईडी लगा देते हैं सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसे सेव कर लेते हैं और सेव करते समय इसको नाम देते हैं फ्लोट डॉट html। ये देखिए, ठीक है। अभी मैं इन पर सिंपल बॉर्डर लगाता हूँ। पहले उसके लिए मैं यहाँ पर सीएसएस में जाके इस प्रॉपर्टी में बॉर्डर लगा देता हूँ। इसी तरह मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर सेकंड नाम से यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे दे दिया रेड, ठीक है। इनको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं बॉर्डर को ताकि क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। अभी इसमें कोई विड्थ नहीं है, मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ ये वर्क कैसे करते हैं। ये देखिए, डिव अपनी फुल विड्थ ले रहे हैं। अगर डिव को कोई विड्थ ना दो तो ये फुल विड्थ ही लेते हैं और एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को एक विड्थ दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने विड्थ दे दी जैसे 500 पिक्सल, और ऐसे ही नीचे जाके भी मैंने एक विड्थ दे दी जैसे 700 पिक्सल, ठीक है। सेव किया फाइल को और यहाँ के पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ देखिए, यहाँ पर काफ़ी जगह पड़ी हुई है मगर ये रेड वाला जो सेकंड डिव है ये ऊपर नहीं आया अपने आप। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि इस डिव ने अपना एक ये स्पेस कवर किया हुआ है और ये इसको ये लेने नहीं दे रहा। तो उसके लिए मैं इस डिव को कहूँगा कि फ्लोट लेफ्ट लेफ्ट में और राइट की सारी जगह छोड़ दे। अभी देखते हैं कि क्या होता है उससे। यहाँ मैंने सेकंड डिव को कुछ नहीं लगाया, सिर्फ फर्स्ट में ही फ्लोट लेफ्ट दिया है। ये मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब ये देखिए यहाँ क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट कहा तो ये इसके बैकग्राउंड में चला गया, ठीक है। जो डिव फालतू का था वो यहाँ से कंटेंट आता हुआ यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही वर्क करता है। अब मैं इस वाले जो सेकेंड डिव है उसको फ्लोट राइट कर देता हूँ। राइट करने से यहाँ पर क्या होगा कि जो राइट की सारी स्पेस है ये इसने इधर ले ली, ठीक है। ये लेफ्ट में आ गया और ये राइट में, ठीक है। आप दोनों डिव्स को फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते हो। ये देखिए, ये दोनों डिव लेफ्ट हो गए हैं। पहले जो आया वो इधर हुआ और उसके बाद जो सेकंड में आया वो। आप ऐसे जितने मर्जी डिव लगा सकते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, यहाँ पर एक थर्ड डिव लेके मैं इसी की ही कॉपी कर लेता हूँ
और इसमें मैंने आईडी जो है वो दे दिया थर्ड। इसी तरह मैं इसको एक बॉर्डर विड्थ लगा दूंगा और यहाँ पर मैंने दिया थर्ड। इसमें कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर दिया ग्रीन। यहाँ पर बॉर्डर जो है वो सिर्फ दे दिया 200 और विड्थ सच। फ्लोट अभी मैं नहीं देता, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं नहीं देता इसको फ्लोट तो ऑटोमेटिकली कि ये नीचे ही आएगा, ये देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है। बाकी जो है इसकी जो आप देख रहे हैं ये इसके बैकग्राउंड में भी चला गया, क्यों? क्योंकि जो इसके पेरेंट डिव है उस पर फ्लोट लेफ्ट लगा हुआ है, तो या तो मैं इसको फ्लोट लेफ्ट करूँगा या यहाँ पर इसको फ्लोट राइट करूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको देता हूँ फ्लोट लेफ्ट, ये देखिए पहले ये लेफ्ट हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको फ्लोट राइट करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर फ्लोट राइट हो गया और बीच में से स्पेस खाली होगी, ठीक है। तो आपको फ्लोट समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर इन दोनों डिव्स के बीच में गैप देना चाहता हूँ तो वो मैं अपनी मार्जिन प्रॉपर्टी से यूज़ करके दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले में कह दिया मार्जिन राइट और राइट में मैंने दे दिया इसे 10 पिक्सल, ठीक है। तो दोनों डिव के बीच में गैप आ जाएगा 10 पिक्सल का, ये देखिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्लोट कैसे काम करता है। फ्लोट की बेसिकली दो ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेफ्ट और राइट। थर्ड एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी को फ्लोट नहीं देना चाहते, ठीक है। होप सो ये आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।